तो भाई मैंने 6 फिजिकल क्लियर करे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप डाइट ले सकते हो, क्या वर्कआउट कर सकते हो कि आप अपना सीपीओ का फिजिकल क्लियर कर सको। अब इसे अच्छे से तैयारी करोगे तभी जाके फिजिकल क्लियर होगा। ये वीडियो देख लेंगे उसके लिए ठीक है, वो निकाल लेगा फिजिकल, बाकी वरना तैयारी तो सभी कर ही रहा है। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं या मेरी वीडियो से पहली बार जुड़े हैं, मैं उनको बता देता हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू SSCCPO 2022 और मेरी ऑल इंडिया रैंक 48 आई थी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फिजिकल क्लियर करने का, मैंने 6 फिजिकल क्लियर करे हैं और 6 मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। जैसे कि मैंने कोस्ट गार्ड का फिजिकल क्लियर करा है, BSF उसका, AWO का मैंने फिजिकल क्लियर करा है, और उस AWO का फिजिकल क्लियर करा है, और मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी, मिनिस्ट्रियल का भी, CPO का भी क्लियर करा है, और हरियाणा पुलिस का भी मैंने क्लियर करा है। तो मैंने ये सब फिजिकल क्लियर करे हैं। और जैसे कि जो जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं फिजिकल क्लियर करने के, जैसे चाहे वो लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, रनिंग हो, डाइट हो, क्या मैं वर्कआउट फॉलो करता था, जो इन शॉर्ट A to Z जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं फिजिकल क्लियर करने के, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अकेडमी नहीं जा सकते आसपास की कोई भी, आपको अगर आप घर पे रह, मतलब खुद से ही अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो GDO चाहे SSCCPO, मेन मैं SSCCPO के लिए बना रहा हूँ, तो आप घर पे इन अ सेंस खुद से कैसे तैयारी कर सकते हो, डाइट क्या ले सकते हो, वर्कआउट क्या फॉलो कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई कटवट नहीं लगाऊंगा मैं इस वीडियो में, जैसी बन रही है ठीक है, जो ये देख लेगा वीडियो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखना, क्योंकि बीच में मेरे को कुछ भी याद आ जाएगा मैं इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगा, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो या वर्कआउट से रिलेटेड हो। स्किप कर करके देखोगे वो आपके ऊपर है, 1.5x पे देख लेना। वैसे भी मैं इतना तेज नहीं बोलता कि 1.5x पे आप लोगों को समझ आए। ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो, क्या बोलते हैं, हाँ ऑब्वियसली CPO की तैयारी कर रहे हो, तो मेंस भी दोगे, थोड़ा थोड़ा मेंस भी पढ़ोगे। अब मैं इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो लोग मेंस की पढ़ाई के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं वो वर्कआउट कैसे करे, या जो लोग अभी फुल्ली डेडिकेटेडली उस पे ही ध्यान दे रहे हैं, किस पे, फिजिकल पे, तो वो लोग कैसे तैयारी करें। तो अगर मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। रिसेंटली प्रीवियस ईयर की अगर आपके पास कोई भी बुक है वो खरीद लेना, वरना मैंने MB पब्लिकेशन यूज़ करी थी, आप ये वाली यूज़ कर सकते हो, वरना किरण पब्लिकेशन की भी ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी और अपना जो भी फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर पार्ट है ये भी है, या फिर अगर आपके पास कोई XYZ बुक है वो यूज़ कर सकते हो। बुक्स का लिंक मैं अपना कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो, लेकिन मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, और इस टाइम पे आप थोड़े बहुत मॉक भी लगाओगे, समझ रहे हो, मॉक भी लगाओगे, ऐसा नहीं है कि पूरे ही आउट ऑफ टच हो जाओगे, तो मॉक भी लगाओगे। तो मैंने अपने मेंस के लिए टेस्ट बुक के मॉक फॉलो करे थे, आप लोग भी इसके फॉलो कर सकते हो। जिसके पास कूपन कोड, मेरा कूपन कोड यूज कर लेना तो 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, या जिसके पास कोई XYZ प्लेटफॉर्म क्या वो यूज कर लेना। मैंने टेस्ट बुक यूज करा था तो मैंने आपको बता दिया, अभी सेल भी चल रही है, मेरा कोड यूज करोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ऑलरेडी है तो मॉक भी लगाते रहना, हफ्ते दो हफ्ते में एक बार। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि जैसे कि अगर मैं डाइट का बताऊँ सबसे पहले, तो डाइट का क्या है जो मेरे को बेनिफिशियल लगता था डाइट में, गाजर और जो बीट रूट का जूस होता है वो रोज कंज्यूम करना, आपका ब्लड सर्कुलेशन ये इंक्रीज करता है और आपकी सांस कम फूलेगी। पहली चीज गाजर चकुंदर का जूस, दूसरी चीज मौसमी खानी है आपको, रोज एक मौसमी खा लेना, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। गर्मी का समय भी है, मौसमी तो अवेलेबल रहती होगी, या मौसमी का जूस पी लेना आपके ऊपर है, खा लोगे तो ठीक रहेगा। और जो रात को जो है स्प्राउट्स भी खो के रख लेना, मतलब कि जैसे दाल, चने और सोयाबीन आपके ऊपर है, खाना चाहो या ना खाना चाहो, लेकिन दाल और चने रात को भिगो के रख लेना, सुबह खाना उसको, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, उससे स्टेमिना आपका इंक्रीज होगा और अच्छा रहता है। मेरे को जेन्युइनली पसंद नहीं थे ये स्प्राउट्स वगैरह ये खाने, लेकिन मैं जबरदस्ती खाता था क्योंकि मेरे को पता था ये फिजिकल में हेल्प करेंगे निकालने में। लेकिन तो मैं उसमें क्या करता था, प्याज टमाटर ऐड कर देता था और नींबू ऐड कर देता था, तो थोड़ी सी नमकीन ऐड कर देता था, तो मतलब मैं चाट बना के खाता था उसको, और मैं जबरदस्ती ही खाता था। तो जैसा स्वाद अनुसार आपको लगे खाना उसको खा लेना, लेकिन खाना जरूर, क्योंकि मैंने भी जबरदस्ती ही खाया था। अब तो मैं नॉर्मली खा लेता हूँ, आदत हो गई है, लेकिन उस टाइम पे मैं जबरदस्ती खाता था, तो आप भी खा लेना, जरूरी होता है। और गाजर और जो बीट रूट है, चकुंदर जिसको बोलते हैं, उसका जूस जरूर पीना, और मौसमी भी खाना, तीन चीज जरूरी है। ठीक है, और बाहर का खाना वाना बंद कर दो।
ठीक है। और अगर अभी मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो हसल फुल फिजिकल एकेडमी है, इसमें बच्चे सीपी और जीडी के लिए आ रहे हैं। और अपना आप अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो इसकी जो पोस्टर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिख रही होगी और थोड़ी बहुत वीडियोज भी दिख रही होगी, मेरे को होगा तो मैं लगा दूंगा। आप यहाँ पे आके कर सकते हो तैयारी। सुबह 5:30 से 7:30 बजे का टाइम है, मंडे ऑफ रहता है और लड़के लड़कियाँ दोनों आती है और मैं भी आपके साथ टच में रहता ही हूँ इसमें, तो आप हमारे साथ करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपके पास अगर कोई सी भी एकेडमी है तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि किसी बंदे के गाइडेंस के अंदर करोगे तो अच्छा रहता है, या फिर किसी ग्रुप के साथ भागोगे तो अच्छा रहता है। अगर एकेडमी भी नहीं है, कोई ग्रुप भाग रहा है आपके आसपास, उसके साथ उनके साथ भागना स्टार्ट कर लेना, उनके साथ तैयारी स्टार्ट कर लेना। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर हम देखते हैं कि भाई ये बंदा भाग सकता है या ये लड़की भाग सकती है तो मैं क्यों नहीं भाग सकता, या मैं क्यों नहीं भाग सकती, मैं भी कर सकता हूँ, तो अकेले करने में थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन अगर आप हाँ ग्रुप के साथ करोगे तो बहुत बेनिफिट मिलता है आपको, चाहे वो अकेडमी के रूप में करो किसी ग्रुप के साथ, या कोई दो चार बंदे पार्क वगैरह में भाग रहे हो आप उनके साथ करो, ठीक है। तो ये था। और अभी मैं बता देता हूँ, जैसे बिगनर्स के लिए है, अगर आप बिगनर हो, आपने बिल्कुल भी नहीं भागा, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पहले 10 मिनट लगातार भागो, ज्यादा भाग सकते हो तो 20 मिनट भागो। टारगेट आप लोगों को रखना है, पहले अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है, पहले आप लोगों को 5 किलोमीटर का टारगेट लिखना है। लड़कों का टारगेट होना चाहिए 30 से 35 मिनट और लड़कियों का होना चाहिए 40 से 45 मिनट। अगर आप 5 किलोमीटर 30 से 35 मिनट या 40 से 45 मिनट में मार रहे हो तो जो अभी मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा स्पीड वर्कआउट, आप इस पे आ सकते हो और अपना अच्छे से सीपीओ की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं भागा तो आप लोग पहले अपने एंड्योरेंस पे ध्यान दो, 5 किलोमीटर की रनिंग करने ही स्टार्ट कर दो। 5 किलोमीटर मैं पहले जब भागता था तो मैं 20 मिनट भी अगर मैं धीरे धीरे भाग लिया लगा था बहुत बड़ी बात हो जाती थी, क्योंकि बंदों से भागा ही नहीं जाता 5 किलोमीटर, ठीक है। तो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाओ, पहले अगर नहीं भागा जाए तो 10 मिनट भागो, फिर रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर धीरे धीरे चलने लग जाओ, जहां थक गए वहां चलने लग जाओ, चल लड़के हो चल लड़के हो, लेकिन अपना एंड्योरेंस 5 किलोमीटर का बनाओ, चाहे वो लड़के हो तो 30 से 35 मिनट, लड़कियां हो तो 40 से 45 मिनट। अगर आप इतने में मार रहे हो तो स्पीड वर्कआउट पे आ जाना। अगर स्पीड वर्कआउट करना है तो मैं बोल रहा हूँ, ये अभी जो मैं बताऊंगा आपको ये वो है कि अगर आप सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दे रहे हो, मतलब पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ फिजिकल करना है, सुबह शाम आप अगर रनिंग कर सकते हो तो मैं ये वाला आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में आपको स्पीड वर्कआउट करना है, स्पीड वर्कआउट क्या होगा, कोर वर्कआउट क्या होगा और रिलैक्स कैसे करना है, या स्लो वर्कआउट क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ अगर आप सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दे रहे हो, सुबह शाम भाग सकते हो तो ये वर्कआउट बताता हूँ। मॉर्निंग में आपको स्पीड वर्कआउट प्लस कोर का वर्कआउट एंड लेग्स का वर्कआउट, मतलब कोर और लेग्स, मतलब एक दिन कोर एक दिन लेग्स, एक दिन कोर एक दिन लेग्स, ऑल्टरनेट डेज पे करना है। लेकिन हाँ, मॉर्निंग में स्पीड वर्कआउट प्लस कोर या लेग्स का वर्कआउट प्लस रिलैक्स, मॉर्निंग में आपको ये करना है अगर आप फुल टाइम दे रहे हो रनिंग को। और इवनिंग में क्या करना है आपको, स्लो वर्कआउट प्लस में लॉन्ग जंप, स्लो वर्कआउट रोज करना है और प्लस में लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आपको ऑल्टरनेट डेज पे करनी है, मतलब शाम, और रिलैक्स तो करना ही करना है, रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है। तो मतलब मॉर्निंग में आप स्पीड वर्कआउट कर रहे हो, इवनिंग में आप स्लो वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम खींचोगे तो बैठ जाती है बॉडी, इंप्रूव नहीं होती, ठीक है। और इवनिंग में, क्योंकि सुबह आप स्लो स्पीड वर्कआउट कोर और रिलैक्स कर रहे हो तो टाइम नहीं बचेगा, इवनिंग में आप स्लो वर्कआउट कर रहे हो तो इस दिन इवनिंग में ही ऑल्टरनेट डेज पे लॉन्ग जंप हाई जंप, मतलब एक ही दिन लॉन्ग जंप हाई जंप कर लेना और फिर अगले दिन कुछ मत करना, फिर एक अगले दिन लॉन्ग जंप हाई जंप कर लेना, ये नहीं एक दिन लॉन्ग जंप में लगे हो एक दिन हाई जंप में लगे हो। और लॉन्ग जंप हाई जंप कैसे करनी है वो मैं आप अपना YouTube पे वीडियोस भी देख सकते हो कैसे इंप्रूव करनी है कैसे नहीं, वरना मैं लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए अलग से वीडियोस भी ले आऊंगा, दो चार स्ट्रेचिंग होती है वो मैं उसके लिए वीडियो ले आऊंगा, वो कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। हाँ, लेकिन आप YouTube पे देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, 3-4 बार प्रैक्टिस करना, इससे ज्यादा मत करना, नहीं तो बैठे जाओगे। बंदे क्या होते हैं 10-12 लॉन्ग जंप मार देंगे और हाई जंप मार देंगे और बोलेंगे मेरी आ नहीं रही, अरे जो अच्छे से आती होती है ना वो अपने पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही आ जाती है, तीसरे चौथे में, ठीक है। जितनी ज्यादा मारोगे उतने बैठते चले जाओगे, तो अपना 3-4 बार लॉन्ग जंप हाई जंप मारना। अब मैं और हाँ, स्पीड वर्कआउट स्लो वर्कआउट क्या होता है वो मैं बता दूंगा। और लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं
जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनको मेंस की भी तैयारी करनी है, फिजिकल थोड़ा ठीक ठाक है उनका और खुद से ही तैयारी करनी है, उनको मैं बोलूंगा इवनिंग में आप स्लो वर्कआउट हटा देना बिल्कुल। मॉर्निंग में ही क्या करना, जैसे मैंने बताया ना, जो लोग फुल टाइम अपना वो दे रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं कि मेरे को सुबह शाम रनिंग करनी है, तो मैंने मॉर्निंग में स्पीड वर्कआउट और शाम को स्लो वर्कआउट बताया। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं तो मैं बोलूंगा आप ऑल्टरनेट डेज पे ये करना, एक दिन स्पीड वर्कआउट, एक दिन स्लो वर्कआउट, एक दिन स्पीड वर्कआउट, एक दिन स्लो वर्कआउट, और एक दिन आप कोर की एक्सरसाइज कर रहे हो, एक दिन लेग्स की कर रहे हो, और ये तो चलेगा ही चलेगा। और ऑल्टरनेट डेज पे हाई जंप और लॉन्ग जंप कर लेना, जिस दिन आप स्लो वर्कआउट कर रहे हो और लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हो उसी दिन लॉन्ग जंप हाई जंप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे लेग्स भर रहे हैं हमारे, ये भर रहे हैं वो भर रहे हैं, तो भाई जिस दिन स्पीड वर्कआउट कर रहे हो उस दिन लेग्स की एक्सरसाइज कर लेना और प्लस रिलैक्स कर लेना, और जिस दिन स्लो वर्कआउट कर रहे हो उस दिन कोर की एक्सरसाइज प्लस लॉन्ग जंप हाई जंप कर लेना और रिलैक्स कर लेना, वो आप लोगों के ऊपर। समझ रहे हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो और सिर्फ सुबह सुबह वर्कआउट करना है तो एक दिन स्पीड वर्कआउट प्लस लेग्स की एक्सरसाइज प्लस रिलैक्स, और एक दिन स्लो वर्कआउट प्लस कोर की एक्सरसाइज प्लस लॉन्ग जंप हाई जंप प्लस रिलैक्स, ये करना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं स्लो वर्कआउट क्या मैं बोल रहा हूं। जैसे कि स्लो वर्कआउट का मतलब होता है आधा घंटा भागना, बस यही है, आधा घंटा भागने, धीरे धीरे अपना मजे में गाने वाने सुनो, बढ़िया आधे घंटा भागो। जो लोग मॉर्निंग में स्पीड वर्कआउट करेंगे वो इवनिंग में स्लो वर्कआउट करना, अपना आधा घंटा भागना, 45 मिनट भागना, मजे में, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो लोग अपना ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे वो भी अपना स्लो वर्कआउट में आधा घंटा 45 मिनट भागना, मजे में गाने वाने लगाना, अपना बढ़िया भागते रहना। अब स्पीड वर्कआउट क्या होता है मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। स्पीड वर्कआउट कोर की एक्सरसाइज और लेग्स का वर्कआउट बताता हूँ आपको कैसे करना है। स्पीड वर्कआउट में क्या है, बॉयज और गर्ल्स को स्ट्रेचिंग रोज करनी है, वो मैं बता दूंगा। स्ट्रेचिंग भाई दो चार एक्सरसाइजेज होते हैं, यूट्यूब पे देख लेना, स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी, स्ट्रेचिंग कह रहा हूँ, रनिंग से पहले अपना वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। वार्म अप के नाम पे आप क्या करना, दो चार स्ट्रेचिंग करना, वो यूट्यूब पे देख लेना कैसे होता है कैसे नहीं, वो आपको भी पता होगा स्ट्रेचिंग कैसे होती है। और उसके बाद दो से तीन चक्कर ना धीरे धीरे भागना ताकि बॉडी गर्म हो जाए, तब स्पीड वर्कआउट स्टार्ट करना, ठीक है। और रनिंग खत्म होने के बाद हर बंदा रिलैक्स जरूर करना, नकल्स मारना काफ पे, ठीक है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, पैर जैसे जमीन पे हम मारते हैं काफ्स, और मतलब स्ट्रेचिंग रिलैक्स कैसे करते हैं वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि भाई रनिंग के बाद रिलैक्स कैसे करा जाए, वरना इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो जरूर ले आऊंगा। जो भी मैं चीजें कवर कर रहा हूँ ना, जैसे कि कोर वर्कआउट, लेग्स वर्कआउट, रिलैक्स, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी जरूर लेके आऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो शॉर्ट्स के थ्रू या वीडियो के थ्रू बता दूंगा। लेकिन यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है, वहां पे भी देख सकते हो, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि चलना कैसे है आप लोगों को। अब मेन स्पीड वर्कआउट पे आते हैं कि स्पीड वर्कआउट कैसे करना है। जैसे कि ये पहले दिन आपको 400-400 मीटर, जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो थोड़ा, तो पहले दिन 5-6 चक्कर मार लेना, नहीं तो 10 आपका टारगेट होना चाहिए, 10 रेपिटेशन 400-400 मीटर के 10 रेपिटेशन मारने, बीच में 2.5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। स्टार्टिंग में 2.5 मिनट का ब्रेक ठीक है, वरना हम 2 मिनट का भी देते हैं, ठीक है। अपने 400 मीटर का एक रैप मारा, 2.5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 400 मीटर का एक मारा रेपिटेशन मारा, फिर 2.5 मिनट का ब्रेक लिया, ऐसे 10 रेपिटेशन मारने आपको। और आप बॉयज की 400 मीटर की टाइमिंग आनी चाहिए 1.5 मिनट से 1 मिनट 40 सेकंड, मतलब 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट 40 सेकंड की आपकी टाइम आनी चाहिए। और गर्ल्स की आनी चाहिए 2 मिनट से 2 मिनट 10 सेकंड तक, इसके बीच में आपको 400 मीटर का रैप मारना है, 10 रैप मारने हैं आपको, बीच में 2.5 मिनट का ब्रेक लेना है। पहले दिन स्पीड वर्कआउट ये हो गया। दूसरे दिन स्पीड वर्कआउट होता है स्लो फास्ट, मतलब बिना रुके, एक चक्कर स्लो एक चक्कर फास्ट, एक चक्कर स्लो एक चक्कर फास्ट, बिना कोई ब्रेक लिए बीच में लगातार, ऐसे टोटल 8 रेपिटेशन का टारगेट होना चाहिए आपका। स्टार्टिंग में 4-5 मार सकते हो, फिर 8 तक का आना चाहिए, मतलब 8 चक्कर स्लो 8 चक्कर फास्ट, ऐसे टोटल हो गए 16 चक्कर, ठीक है। अब स्लो चक्कर का आपका लड़कों का टाइमिंग आना चाहिए 2.5 मिनट का, और मतलब 2 मिनट 20 सेकंड से 2 मिनट 30 सेकंड का, और फास्ट का आना चाहिए 1 मिनट 40 सेकंड से 1 मिनट 45 सेकंड का, 40 सेकंड बहुत होता है, ठीक है। जब आप 400-400 मीटर के रेपिटेशन मार रहे हो तो 1 मिनट 30 सेकंड का आना चाहिए, अगर आप स्लो फास्ट मार रहे हो तो 1 मिनट 40 सेकंड का, 10 सेकंड इसलिए बढ़ा दिए क्योंकि ब्रेक नहीं है बीच में, ठीक है। तो स्लो आपका रेपिटेशन आना चाहिए 2.5 मिनट का लड़कों का, और फास्ट वाला रेपिटेशन आना चाहिए 1 मिनट 40 सेकंड से 1 मिनट 45 सेकंड का, ठीक है। ऐसे टोटल 16 मारने हैं, 8 स्लो 8 फास्ट के, ठीक है। और लड़कियों का टाइमिंग आना चाहिए ये क्या बोलते हैं, जो अपना फास्ट का टाइमिंग है लड़कियों का फास्ट का 2 मिनट 10 सेकंड का,
आपको फास्ट चक्कर मारना, स्लो चक्कर आप 3 मिनट तक का ले सकते हो, 2 मिनट 50 सेकंड से 3 मिनट तक का आप स्लो चक्कर ले सकते हो। मतलब एक रेपिटेशन अगर आपको तेज मारना है तो वो 2 मिनट 10 सेकंड का आना चाहिए, और स्लो वाला मारना है तो 2 मिनट 50 सेकंड से 3 मिनट का आना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा। अब हो गया तीसरे की बारी। तीसरा स्पीड वर्कआउट है 1200, 1000, 800, 600, 400, 200, 100 और 50, इतने मीटर। 1200 मीटर मतलब 3 चक्कर, 1000 मीटर मतलब 2.5 चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 1.5 चक्कर, फिर 1 चक्कर। मतलब ऐसे ऐसे आपको रेपिटेशन माने, जैसे 400 के रेपिटेशन मारते हो 2.5 मिनट का ब्रेक लिया था, ऐसे इसमें 1200 के रेपिटेशन, फिर 2.5 मिनट का ब्रेक, फिर 1000 मीटर भागना है, फिर 2.5 मिनट का ब्रेक, फिर 800 मीटर भागना है, फिर 2.5 मिनट का ब्रेक। इसमें बॉयज की टाइमिंग आना चाहिए 1.5 मिनट का एवरेज आना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा टाइम, लेकिन टारगेट 1.5 मिनट का होना चाहिए, यहां तक आना है आपको। और 1:40 भी चलेगा, 1 मिनट 40 सेकंड भी चलेगा एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है। और गर्ल्स की जो टाइमिंग आनी चाहिए वो 2 मिनट तो आनी चाहिए, मतलब 2 मिनट 10 सेकंड भी चलेगी लेकिन 2 मिनट आनी चाहिए आपकी। ठीक है, बॉयज का ये वो वर्कआउट चल रहा है जिसमें आप 6 मिनट की टाइमिंग लेके आओ, सिंपल में 6:30 चाहिए लेकिन टाइमिंग 6 मिनट लेके आना भाई, तभी सिलेक्शन होगा। मेरी 6 आराम से आती, मैं तब भी भड़क ले रहा था कि नहीं और कम करनी है, और कम टाइमिंग करनी है। ठीक है, तो मैंने 5:55 मारी थी वहां पे, 5 सेकंड तोड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है जब जैसे टाइमिंग कम होने लग जाती है। ठीक है, और ये हो गया आपका तीसरा वर्कआउट 1200, 1800 से ऐसे 50 मीटर तक। फिर जब अगर जो ये बंदे अगर रोज कर रहे हैं स्पीड वर्कआउट, तो 3 दिन आपने स्पीड वर्कआउट कर लिया, 4th दिन आप दिन में भी स्लो वर्कआउट करना, 45 मिनट भागना, क्योंकि रोज बॉडी खींचोगे तो अच्छा नहीं है। 3 दिन आपने फास्ट वर्कआउट कर लिया, अब 1 दिन आपको स्लो वर्कआउट करना है, 45 मिनट लीड लगा के भागो अपना बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर 5वें दिन आपको 800 मीटर के रेपिटेशन मारने हैं, लड़कों और लड़कियों दोनों को। स्टार्टिंग में 4-5 मार लेना, लेकिन टारगेट आपका 8 का ही होना चाहिए कि मेरे को 8 रेपिटेशन मारने हैं 800 मीटर के। ठीक है, मतलब 2 चक्कर। ठीक है, और बीच में वो 2.5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए आपका, 2.5 से 3 मिनट का। और आपको जो स्लो फास्ट वर्क जो मैंने बताया था ना 1200, 1000, 800, उसमें आप 3 मिनट का भी ब्रेक ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 800 मीटर में भी 2.5 मिनट से 3 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए 8 चक्कर मारने का, स्टार्टिंग में 5-6 चक्कर आप मार सकते हो। बॉयज का टाइमिंग 800 मीटर का आना चाहिए 3 मिनट 15 सेकंड के आसपास। ठीक है, मतलब 3:15 से 3:30 मिनट तक का आपका टाइम आना चाहिए, कम भी आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, 3 मिनट ही आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1.5 मिनट का एवरेज आ जाएगा, वरना 3.5 मिनट मैक्सिमम है, और लड़कियों का 4:20 मैक्सिमम है। आपका 800 मीटर का टाइम 4:20 आना चाहिए जब आप ये 6-7 या 8 रेपिटेशन 800 मीटर के मारोगे, बीच में 2.5 मिनट से 3 मिनट का ब्रेक लेके। ठीक है, अब 6th दिन आपको क्या करना है, 200 मीटर के रेपिटेशन मारने हैं, लड़के और लड़कियों दोनों को ऐसे 10 रेपिटेशन मारने हैं। मतलब 200 मीटर भागे अपने 70% एफिशिएंसी से, हाथ पैर अच्छे चला के, ताकि आपका बॉडी पोस्चर, रनिंग पोस्चर इंप्रूव हो। स्ट्राइड मारनी है आपको, ठीक है, स्प्रिंट नहीं मारनी, स्ट्राइड मारनी है। स्प्रिंट होता है 100% एफिशिएंसी और स्ट्राइड होता है 70% एफिशिएंसी। तो 70% की 70 से 80% की स्पीड पे आपको भागना है, हाथ पैर की मूवमेंट बहुत अच्छे से चलानी है। 200 मीटर भागना है आपको, 200 मीटर भागे 70% की एफिशिएंसी से, फिर 200 मीटर हल्का भागे, फिर 200 मीटर 70% की एफिशिएंसी से भागे, फिर 200 मीटर धीरे धीरे भागे, जितना धीरे आप भाग सकते हो। नहीं भागना तो तेज चल लेना, 200 मीटर 70% से भागे, फिर 200 मीटर तेज चले, ऐसे टोटल 200 मीटर की 10 स्ट्राइड मारनी है लड़के लड़कियों दोनों को। और 1 दिन आपको रेस्ट करना है, ठीक है, 1 दिन रेस्ट का भी ले लेना। हमारी एकेडमी में मंडे का रेस्ट होता है, आप अगर खुद कर रहे हो तो आप संडे का रेस्ट ले लेना, आपके ऊपर है। अब कोर वर्कआउट कैसे करते हैं, इसकी मैं अलग से वीडियो भी बताऊंगा, आप यूट्यूब पे ये वीडियो भी बनाऊंगा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। लेकिन कोर वर्कआउट में आप क्रंचेस, हाफ क्रंचेस, साइड बेंडिंग, लेग्स होल्ड कर लेते हैं ना, हाथ और पैर को ऐसे ऊपर कर लेते हैं, वो वाले लेग रेजेस भी कर सकते हो, प्लैंक, साइड प्लैंक्स, बहुत सारी एक्सरसाइज है, 4-5 एक्सरसाइजेस कर लेना आप कोर वर्कआउट पे। ठीक है, और लेग्स वर्कआउट में कम से कम 5 एक्सरसाइज करनी है आपको, ये ऑब्वियसली 1 दिन कोर 1 दिन लेग करोगे, लेकिन लेग वर्कआउट में 5 एक्सरसाइजेस करनी है, इसकी भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, जंपिंग स्क्वाट्स हो गए, ठीक है, और ये जैसे नीचे स्क्वाट की पोजीशन में अपने आप को होल्ड करना होता है 30-30 सेकंड, 1-1 मिनट भी होल्ड करते हैं, और ऐसे स्क्वाट की पोजीशन में अपने आप को होल्ड करके साइड में चलना, आगे चलना, पीछे चलना, इधर उधर चलना, वो वीडियो होगी तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वरना आप यूट्यूब पे भी देख लेना, मिल जाएगा, वरना मैं खुद ही वीडियो बना दूंगा। इन शॉर्ट लेग्स की भी 4-5 एक्सरसाइजेस आपको करनी है। ठीक है,
वीडियो 20 मिनट की होगी, पता नहीं एडिट करके कितनी की हो जाएगी, एक आधा मिनट ही कटेगा। ये मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दूं कि आप पढ़ कैसे सकते हो, वो पढ़ कैसे सकते हो, पढ़ाई की दिमाग में आ रही है कि वर्कआउट कैसे कर सकते हो। और अगर अगेन आपके आसपास कोई एकेडमी, उसे ज्वाइन कर लेना या कोई ग्रुप भाग रहा है उन्हें ज्वाइन कर लेना। ये तभी है कि आप कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ना एकेडमी ज्वाइन करना ना ग्रुप है कोई, तब ये खुद करना, क्योंकि खुद करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप हमारे पास तैयारी करना चाहते हो तो सेक्टर 14 वेगस मॉल के पास DDA पार्क है, यहाँ ट्रेनिंग होती है, बॉयज गर्ल्स दोनों आते हैं। मेनली CPO के लिए ही मैंने ये स्टार्ट करी थी, लेकिन GD वाले बच्चे, अदर स्टेट पुलिस के भी बच्चे आते हैं यहाँ पे, आप रेलवे के लिए भी आ सकते हो, कुछ भी, लेकिन मेन अभी CPO को टारगेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके तैयारी कर सकते हो हमारे साथ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, और ऑब्वियसली मैं भी टच में रहूंगा ही आप लोगों के, और तो साथ में भी भागता हूँ संडे को, ठीक है, सेकेंड सैटरडे संडे, ठीक है। और अपना अच्छे से तैयारी करो कुछ हो, और हाँ जो एक और वर्कआउट लेग्स वर्कआउट है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज है, इसके शॉर्ट्स है वीडियो में जरूर यूट्यूब पे डालता रहूंगा, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले जो खुद ही तैयारी कर रहे हैं। बाकी कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।